जोरदार जोरदार मैडम आवे देना भीड़ नहीं हुए नहीं भीड़ नहीं हुए देना बट आपने मारवाड़ी उनको आवे तो नहीं नस्तारी डंको लागे देना बस नाच को नहीं आवे दूसरी बात है भीड़ नेतावा ने भीड़ अपना एक तो भंवर जी को मूर्ति अनावरण रास्ते मूर्ति आएगी मूर्ति के दौरान फिर मीटिंग अटेंड करके फिर यहाँ खाना हो जाएगा घर पे मैडम का घर पे बाकी पब्लिक का तो वहीं सब लोग 5,000 प्रेरित करा मारो आप ज्यादा ज्यादा भीड़ इकट्ठी करा और प्रेरित करा मारो आपने ज्यादा ज्यादा भीड़ इकट्ठी करा और कार्यक्रम सफल बना आदरणीय एमपी साहब वह पूर्व खनिज मंत्री खेमाराम जी मेघवाल और रवि बिहारी जी और चेयरमैन साहब और सभी पदारी सुजानगढ़ विधा से तहसील के सभी कार्यकर्ताओं से जो अपने 10 तारीख को प्रोग्राम रखे और ये प्रोग्राम का मायने अपने सबको दायित्व बनाए आज आपने बीच में अपने साथी हमारे साथी बोला भाई भंवर जी आज नहीं रहे तो वास्ते के मायने भंवर जी के बच्चे को पत्तो नहीं चालू दीजिए कि मेरा पिताजी चले गए पीछे आदमी है कि नहीं मैं सभी से निवेदन करना चाहूँ कि अपनो मन जन और छत्तीस कौम इसमें किसी की नहीं छत्तीस कौम एक साथ लेके और हर आदमी अपने अपनी भावना से हर गांव हर मोहल्ले से हर वार्ड से अपनो आदमी लेना है और आने वाले वसुंधरा जी के साथ जो भी टीम आवे या आस पास एरिया में पता चल रहे तो वास्तव के मायने बंबू में प्रोग्राम बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा। अब मैं निवेदन करना चाहूँ मनोज जी कि हमारा क्षेत्र बहुत लंबा छोड़ा है तो आप मैं आप सभी ने कहना चाहूँ कि माना आप कहीं कहना चाहो कि मैं बसा लगाना चाहूँ या गाड़ी लगाना चाहूँ मैं बोल सुजागढ़ पीछे से मैं भी ला दी आपके हर गांव में दो दो तीन तीन गाड़ी व बड़ी बस भी कर दी सियाँ आप जैसे आदेश दोगे अभी आदेश की हम पालना करेंगे लेकिन विशेषकर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लोकल एरिया का ज्यादा अपना हर गाँव में ज्यादा लगाओ और बी एरिया का मैं 10-15 बस में लिया सियाँ बहुत और ज्यादा को ज्यादा भी लिया कोई दिक्कत नहीं और आसपास के लाड़नू है सुजानगढ़ रतनगढ़ है डीडवन है अठा अपना कार्यकर्ता तो सब जुड़ेगा आसपास बाद भी लोगों ने क्यों ताकि मैं भी अठा वसुंधरा जी प्रोग्राम हुए ज्यादा ज्यादा भीड़ किया मैं करा और अपनी व्यवस्था अच्छी करा व्यवस्था का मायने 5-10 आदमी टीम बढ़िया बनाओ भी टीम का मायने अपन सेवा को देखना चाहिए अपना अटकाई चीज होनी चाहिए सब लोगों को एक सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा आजकल गलत है सोशल मीडिया का सारा दिन है तो सोशल मीडिया पे अपने जो लाइव चलाना जानते हैं वो सारे लाइव पोस्ट करेंगे जिसमें खुद अपने एक अपील करनी है आप लोगों को कि भाई ये 10 तारीख को प्रोग्राम है जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है और लाइव नहीं चलाना जानते हैं वो अपना वीडियो बनवा के और वीडियो भी किसी बच्चे से या किसी जानकार से फेसबुक पे अपलोड करवा दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके कि 10 तारीख को ये प्रोग्राम है और सांडवा के पास में ये प्रोग्राम है। रतन सिंह जी ने
बीड़ा उठा लिया है, इस बीड़े को पूरा करने में इनको पूरा सहयोग करेंगे। मंच पर सम्मानित सदस्यों को पहुंचाने वाली ये जनता जनार्दन, सब ने बता दिया है कि 10 तारीख को अपना कार्यक्रम है। हर एक कार्यक्रम एक संदेश देता है, पुरानी एक जनता में मैसेज देता है। आप सब लोग यहाँ पधारे हुए हो, मुझे किसी को यह चीज ज्यादा समझाने की और यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग जो विराजे हुए हैं वो अपने आप में एक प्रतिनिधित्व करते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को समर्पण का भाव देकर अगर इस प्रोग्राम में लगेगा तो बंबू से एक बढ़िया मैसेज इलाके में जाएगा, मैडम के लिए जाएगा और समाज में भी जाएगा कि भाई किसी व्यक्ति के प्रति लोगों का समर्पण या अपने नेता के प्रति क्या समर्पण का भाव है, यह दिखाने का अवसर हमारे पास 10 तारीख को आ रहा है। आप सब लोग अपने गांव में अपने इलाके में जहां विराजते हैं वहां अगर पूरा प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जो अपना टारगेट है उससे कहीं अधिक संख्या में 10 तारीख को आगामी समय में जनता जनार्दन पधारेगी। इसके लिए बस यही है कि आपको थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा। आप सब लोग यहाँ आए अभी निकल जाएंगे 10 तारीख को, 10 तारीख को तो अभी बहुत समय है, ये अगर आप सोच लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका यह आयोजन सफल नहीं हो पाएगा। और आप लोग अगर यहाँ से निकलते ही पूरे दिन में अगर 2 घंटे इस चीज़ के बारे में सोचेंगे और 2 घंटे का समय निकाल कर आप 10 को 5 को 20 को फ़ोन करेंगे या व्यक्तिगत मुलाकात करके उनको प्रेरित करेंगे तो आपका यहाँ आना सार्थक होगा और उस दिन का प्रोग्राम सार्थक होगा। आपसे यही आशा है। दायित्व तो ये है, हमारे बीच में हमारे सांसद राहुल जी कस्बा साहब, रवि जी आ रही है, आसाराम जी महाराज, रतन सिंह जी, नौरंग जी, मनमोहन जी, हमारे मंडल के दोनों अध्यक्ष नारायण जी और अरुण जी, हमारे चेयरमैन साहब सीताराम जी और सभी पंचायत समिति के सदस्यगण, सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, पूर्व जो पंचायत समिति से संबंधित प्रतिनिधि रहे हैं और गांव के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुजी जानी एक बहुत ही इस क्षेत्र के दमंग नेता थे। वो कभी उनके सामने इस बात की कोई छाप नहीं थी, वो सही बात करने के लिए चाहे किसी पार्टी का राज हो, किसी पार्टी का चाहे वो हो, वो बेखूब होकर के अपनी बात रखते थे। और किसानों के लिए विशेष तौर से जब भी कोई इस तरह की बात आती थी तो निश्चित रूप से वो किसानों के हित की बात रखते थे, चाहे कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, उनके सामने भी वो बात किसानों के हित की बहुत ही बढ़िया ढंग से रखते थे। उनके साथ मुझे भी कुछ दिन हमने कई जगह हम साथ भी गए थे और हमारा उस टाइम वो सरपंच थे तो उस टाइम हमारा उनसे बहुत अच्छा नज़दीकी संपर्क भी रहा है। वो क्षेत्र के विकास के लिए जिस ढंग से उन्होंने काम करने का प्रयास किया तो ये इस तरह के व्यक्तित्व के आज उनके परिवार वालों ने, उनके पुत्र ने ये जो अपनी पिताजी की मूर्ति का अनावरण के लिए माननीय हमारे पूर्व सांसद महोदय राम सिंह जी से उन्होंने मिले और उनको कहा कि मेरी इच्छा यह है कि वसुंधरा जी अगर आ जाए तो हम उनके हाथों से, उनके कर कमलों से वो मूर्ति का अनावरण कराना चाह रहे हैं। तो एमपी साहब ने वहाँ जयपुर में मैडम से, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से, पूर्व मुख्यमंत्री से बात की और बात करने के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वो सारी जिम्मेदारी हमारे राम सिंह जी ने ली और उनके लेने से ही उन्होंने हाँ भर दी। रतन सिंह जी वहाँ जिस ढंग की वातावरण बना, वो क्या है कि उनका प्रोग्राम तो सिर्फ बीकानेर का ही था, बीच में प्रोग्राम था ही नया ही नहीं उनका जाना, लेकिन उन्होंने एमपी साहब ने कहा तो उनको बात को एक बात बताऊंगे आपने भी धनी को नाम राम सिंह एमपी यहाँ को निकाल दी दो मन था है कि मैडम के और बांके कहीं रिलेशन है, उम्र में छोटो जरूर हूँ, ज्ञान सगड़ो है मैं तो बाकी बात ने मैं स्वीकार करते हुए अपन टाइम दियो है आने वाली 10 तारीख को बहुत बढ़िया दियो है और एक मायने मेहरबानी माने एमपी साहब फोन करियो मेरे साहब लावणी को टाइम है, अति संख्या किया हूँ सी लोग खेतों का मान काम में लाग मिले है बोले थे तो आई बात कैसी होगी बेटेगा लोग आने पूछो और पूछो और मैं आज आप लोग की भावना और बात सुनी तो मैंने बहुत बड़ी खुशी हुई कि आप लोग जी दंग उत्साह के साथ ये कह रहे हो कि मैं संख्या ले रहा था और
जिस ढंग से देखो मैंने जगह स्थान दिखाई है, भी जगह की स्थान की कैपेसिटी 15,000 की है, लेकिन अभी बात की चाल रही है कि 15,000 से भी ज़्यादा संख्या ऐसी, तो अभी के लिए भी अपन थोड़ी संख्या अभी के हिसाब के हिसाब हूँ थोड़ी बढ़ाने की आवश्यकता है, और आप ये मॉनिटरिंग करके अजिया भी एज गिवन दे करके व्यवस्था बनानी है। तो मारो निवेदन वो है कि अपन वो प्रोग्राम जो को है वसुंधरा जी को इस क्षेत्र का माने बहुत बड़ो सहयोग रियो है, किसानों के लिए रियो है, आपने हर तरीका इस क्षेत्र का मान विकास का मान रियो है, विदासर का जो महाविद्यालय है वो बन की देन है, और भी बहुत सारे काम है, अपन काम गिराने की कोनी, लेकिन अपन एक राजस्थान के नहीं पूरे हिंदुस्तान का मान बाको नाम है, बाको परिवार है जो जी ढंग से काम करियो है। तो वही बात आप लोग ने सबने परिचित हो, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पर रोर पर सब चीज़ें आवे, ये वास्ते ज़्यादा बताने की जरूरत को नहीं। मार तो निवेदन वो है कि अभी दिन विशेष तौर से अपन वो ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम कोई बीजेपी को या कांग्रेस को कोई आरएलपी को या की कोई है को नहीं, वो है रामचंद्र जी को घर को मूर्ति अनावरण को प्रोग्राम है, और बाउंड्री जानी चाहिए अगले आदमी ने सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, एक माने कोई आ बात नहीं रहे हुए कोई पार्टी को प्रोग्राम है, वो सर्वे मतलब कोई माने पार्टी को रोल को नहीं, ठीक है अभी कमाने माँ की सहमति है तो मैं आया हाँ, तो मैं बाउंड जी के प्रति माने अच्छा बाको बाकी सागर रैना को माने यहाँ लागियों के विवास है बहुत अच्छा आदमी है, तो आज बाकी मूर्ति को अनावरण हुए तो माँ लोगों ने बेटे आने को माँ को फर्ज बने, इस वास्ते मैं था निवेदन करूँ कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोई पार्टी पुर्टी ने दूर करके अपन इन प्रोग्राम ने सफल बनानु है, और सफल बनानु है माननीय अपने राम सिंह जी कसवा जक्का के अध्यक्षता में प्रोग्राम हो रही है, बाकी नेतृत्व में प्रोग्राम हो रही है, यानी बे यहाँ बरियर बे करवाए है ऊपर परमिशन बे दिलाई है, ये वास्ता आपनों फर्ज वो भी बनेगा, आज तब ताकि आपने बीच में अपनी सेवा करी है, आपने हर दिन सागर लिया है, और बाका सुपुत्र आज आपने बीच का मान सांसद के रूप में विराजमान है, तो कोई दिक्कत को नहीं, अपाने ज्यादा से ज्यादा अपाने ज्यादा संख्या के लिए इस साधना पर ज्यादा डिपेंड कौन रहनु है, अपन आसाधन देवाला जद या पावाला अपन नजदीक आला तो ज्यादा से ज्यादा यही आओ, क्योंकि ये प्रोग्राम के निमित्त बहुत बड़ो एक विशाल प्रोग्राम है, एक मान बहुत तरह का खर्चा भी होसी, ये वास्ते परिवार में ज्यादा कोई खर्चो नहीं हुए, तो ज्यादा से ज्यादा आप अपना साधन ले रहो, और जट जरूरत है कि भी अटो साधन कम है उसके और बट बस लगाने की जरूरत है, तो बट बस बस की व्यवस्था की मैं आज निवेदन कर सकता कि थोड़ी बहुत बसा भी इकट्ठी लगाओ ताकि बसा भी आवे, बाकी ये सारा सारा गाँव है बहुत बड़ा बड़ा गाँव है, और गाँव के मायने सब लोग आसी तो निश्चित रूप से की संख्या जो टारगेट दे रहे 15,000 को वो टारगेट पूर्ण रूप से पूरा उसी, और मन विश्वास है आप सब लोग इतनी संख्या में पधार हो, और ये गांव का आसपास का और पूरे सुजानगढ़ का ही नहीं आसपास का भी पधार हो, तो आप लोगों की जो चेहरा देखकर मन वो लागे है कि वो प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहसी बहुत सफल रहसी, और ये प्रोग्राम ने सफल बनाने को आपको ही जिम्मो है, आपको ही काम है, आपको ही प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में अपन सफल बनाए हुए, और निवेदन करने में आपके बीच में आयु, आपने बहुत बहुत धन्यवाद राम भाग। जो प्रोग्राम एक लिमिट एक किस्म की उदाहरण के रूप में रहेगा, मिसाल बंसी कि यार रामचंद्र जी करे पिताजी को भी मूर्ति ना वसुंधरा जी आई क्योंकि तो लोग 5,000 इकट्ठा, ये कोनी का सारा आप सब जो बैठा हो सबकी इतनी क्षमता है कि फिर भी ये प्रोग्राम करोगा तो 10,000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा, सब एक से बढ़कर एक मसौर सबने जानू बैठे ना था, सबकी ताकत है वहाँ, सबको रसूख है, सबको समाज में इज्जत है, पर एक शुरुआत करने की बात है, आज जानी साहब के नाम पर रामचंद्र जी शुरू की बात करी और आप उनको हौसलों पर जाना है, यही मकसद से मैं आया हूँ, और मैं उम्मीद करूँ कि थे सब लोग अपना प्रोग्राम बना के अपने आने वाले पीढ़ियों के पीढ़ी बच्चों के लिए अपने इस प्रोग्राम को बेहतरीन कामयाब कैसे करें उसको भी ध्यान लगाया जाए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट हमारा चैनल FM 10 तक आप अच्छा लगे।